नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं, आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। हम यहाँ रोजाना आपको कंप्यूटर से संबंधित एक वीडियो देते हैं। हमने एक नई सीरीज भी स्टार्ट की हुई है जिसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों आप सब, हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ ली, उसके बारे में हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार कितने, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कंप्यूटर तीन प्रकार का होता है, थ्री टाइप्स। कितने प्रकार का होता है? थ्री। तो किस किस टाइप का होता है भाई? तो आपको याद रखना है, पहला तो होता है एप्लीकेशन के टाइप। हम कंप्यूटर को एप्लीकेशन के अनुसार क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। दूसरा यूज, हम कंप्यूटर को किस यूज में ले रहे हैं उस हिसाब से हम कंप्यूटर की एक कैटेगरी बनाई हुई है। तीसरी है साइज, मतलब कंप्यूटर के साइज पे बेस्ड भी एक कैटेगरी है। सबसे पहले एक एप्लीकेशन, कि कंप्यूटर किस प्रकार की एप्लीकेशन को यूज करता है, मतलब कौन कौन से कार्य कर सकता है। ठीक है, उसके बेस पे हो गया। दूसरा हमारा यूज, मतलब कंप्यूटर को किस व्यवसाय में यूज कर रहे हैं। थर्ड है साइज, कंप्यूटर के साइज के अकॉर्डिंगली यूज करते हैं हम। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन। कितना? एप्लीकेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। पहले हम एक नॉर्मल सी बात करते हैं कि इसमें कितने प्रकार के होंगे। तो इसमें भी आपके थ्री टाइप्स होंगे। ठीक है, तो नंबर वन बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। आप सबने देखा होगा एनालॉग कंप्यूटर, देखा है क्या? आप सब लोगों ने एनालॉग कंप्यूटर देखा है। कहां देखा है? तो देखिए दोस्तों, आपने बाइक अपनी गाड़ी में या बाइक में, फोर व्हीलर में पेट्रोल भरवाने के लिए, डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाते हैं। पेट्रोल पंप पे एक जो मीटर लगा होता है वो क्या करता है, पेट्रोल को लीटर की अंदर मापता है और उसकी अमाउंट बताता है कि इतने रुपए का तेल भरा गया। वो जो वहां जो कंप्यूटर लगा है वो एनालॉग कंप्यूटर है। साथ में आपने फायर अलार्म देखे होंगे। फायर अलार्म में क्या होता है दोस्तों, कि कंप्यूटर वातावरण का टेम्परेचर रिकॉर्ड करता रहता है। जब भी उसको टेम्परेचर ज्यादा लगता है तो कंप्यूटर एक्टिवेट कर देता है अलार्म को और बीप करना स्टार्ट कर देता है। और एक आपका थर्मामीटर, अपने टेम्परेचर चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, तो टेम्परेचर को हीट जो थर्मामीटर है वो कैसा, एनालॉग ही है, वो भी एनालॉग कंप्यूटर है। तो इससे क्या हुआ, देखिए सबसे पहले इस वर्ड को देखिए, एनालॉग को, ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक। इसके दो अर्थ होते हैं दोस्तों, दो अर्थ हैं। पहला वोल्टेज के एंड करंट। एक चीज देखिए, एनालॉग एक ग्रीक शब्द है जिसके दो अर्थ होते हैं, वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट की बात की गई है, तो मतलब यहां अंक की तो बात ही नहीं की है, मतलब
जो ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये आपके जो भौतिक भौतिक है जो डाटा होता है आपका भौतिक डाटा मतलब फिजिकल क्वांटिटीज पर कार्य करता है। ना कि मतलब अंकों पर, अंकों पर कार्य ना कर फिजिकल क्वांटिटीज पर कार्य करेगा। अब ये भौतिक डाटा कौन सा होता है तो ये आपका ताप दाब विद्युत और ताप दाब विद्युत आदि मतलब ये जो डाटा होता है ताप हुआ दाब हुआ विद्युत हुआ आपकी कुछ केमिकल का फ्लो है केमिकल फ्लो इस पे भी कार्य करता है। मतलब एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है एनालॉग शब्द दो ग्रीक शब्द है इसके दो मीनिंग होता है वोल्टेज और करंट। ये भौतिक डाटा पे कार्य करता है ना कि अंकों पर मतलब ये कैलकुलेशंस नहीं करता ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बड़ी मतलब कैलकुलेशन नहीं करेगा ये भौतिक डाटा पे करेगा। भौतिक डाटा मतलब मैंने आपको समझाया जैसे पेट्रोल पंप पे जो कंप्यूटर लगा हुआ है ये आपके पेट्रोल का लीटर में मापेगा और उसका रेट बता देगा ठीक है इतना ही कार्य करेगा। फायर अलार्म है ये वातावरण के टेम्परेचर को मापता रहेगा जब भी उसको टेम्परेचर ज्यादा लगेगा वो एक्टिवेट कर देगा अलार्म को। थर्मामीटर है आपके टेम्परेचर का मापन बता देगा ठीक है और एनालॉग घड़ियां हैं वो बस टाइम बताएंगे नॉर्मल ठीक है। ये चीजें एनालॉग कंप्यूटर से संबंधित है इतना समझ आप लिख सकते हो कि यूज आपका पेट्रोल पंप फायर अलार्म एनालॉग वॉच स्पीडोमीटर थर्मोमीटर इनमें यूज होता है मतलब फिजिकल। याद रखना अंकों पर कार्य नहीं करता ये भौतिक डाटा पे कार्य करेगा फिजिकल क्वांटिटीज पे काम करेगा ताप दाब विद्युत हुआ केमिकल फ्लो हुआ इन पे कार्य करेगा। ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन पहला था एनालॉग अब सेकंड पढ़ते हैं डिजिटल। यहां देखिए डिजिटल का अर्थ देखिए डिजिटल का अर्थ आपका जीरो और वन से लगाया जाता है। डिजिटल का अर्थ जीरो और वन से अपन समझते हैं ठीक है। और देखिए जो ये डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ना डिजिटल कंप्यूटर इनमें ऐड जोड़ की गणना होती है और काफी स्टूडेंट बोलेंगे सर ऐड ही होता है सब्ट्रैक्ट है डिवाइड है वो कैसे होगा फिर वो भी तो होता है होगा लेकिन वो कैसे होगा पहले सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई को जोड़ में बदला जाता है। पहले क्या होगा सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई को जोड़ में बदलेंगे फिर जोड़ को करेंगे एडिशन में करेंगे
ठीक है, ऐसे होता है। और एक चीज हो कि जो डिजिटल कंप्यूटर है ये डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग से फास्ट होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर एडी होता है इनमें, इतना नोट कर लिया होगा आपने। एक चीज और दोस्तों कि कंप्यूटर में सभी कार्य जीरो और एक में बदलकर ही किए जाते हैं, इसीलिए डिजिटल कंप्यूटर फास्ट होते हैं। और जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ही बात करते हैं। मतलब नॉर्मली हम जब भी कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे तो हम डिजिटल कंप्यूटर की भी बात करेंगे, और इसमें कैलकुलेशंस फास्ट होती है, मतलब गणना फास्ट होती है। एक चीज और, डिजिटल कंप्यूटर में जो सिग्नल होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, ऐसे इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। लेकिन जब हम एनालॉग की बात कर रहे थे तो याद रखना सिग्नल उसमें कॉन्टिन्यूस था। हर क्षेत्र में जो भी कंप्यूटर है, हमारे डिजिटल कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, याद रखना इनमें सिर्फ और सिर्फ ऐड ही होता है। सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई आपका पहले ऐड में चेंज होगा, फिर वो कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना दोस्तों। और ये फास्ट होते हैं। अब आता है तीसरा, इस चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। थर्ड, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो याद रखना एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर इक्वल हाइब्रिड। मतलब आपका एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन ही हाइब्रिड कहलाता है। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई पेशेंट है, इसका यूज है ना ज्यादा, यूज चिकित्सा क्षेत्र में होता है। कैसे, एक पेशेंट है,
उस पे जो हमारा वेंटिलेटर सिस्टम लगा होता है वह क्या करता है, उसके हृदय की धड़कन को नोट करता है, टेम्परेचर को चेक करता है, रक्तताप को, रक्तचाप को चेक करता है, उन सब डाटा को फिर वो अंकों में चेंज करके हमें देता है। तो पहले तो वो क्या कर रहा था, भौतिक रूप से जो डाटा है उन पे कार्य किया उसने, उनको कलेक्ट किया उसने, फिर उसने अंकों में हमें आंसर दिया। तो हुआ ना कॉम्बो, उसने एनालॉग को भी कार्य किया और डिजिटल का भी कार्य किया, तो दोनों का मिक्सचर ही हमारा हाइब्रिड कहलाता है। तो याद रखना चिकित्सा क्षेत्र में इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर पहला टाइप आपको मैंने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन करवा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन साइज और यूज पे चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी कराएं। धन्यवाद।